Yes. Hello everyone. Welcome to India's largest learning platform, Unacademy. तो सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का, और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे. लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम. और इसी के साथ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो या फिर जो सीरीज चल रही है आपकी, ये आपकी बहुत सारे एग्जाम्स बीपीएससी के प्री में काम आएगा, देन आपका एसआई में काम आएगा, एनटीपीसी में काम आएगा, एसएससी में काम आएगा. ये सारी एग्जाम्स में जो है ये चीजें आपको हेल्प करेंगे. बिल्कुल, एग्जाम्स जब आप दोगे तो आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको, लगभग सारे क्वेश्चंस ही आपको कॉमन दिखेंगे इनके. बिल्कुल, तो आगे चलते हैं. तो बीपीएससी का देखा तो प्री में आपके जो है लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं साइंस से, जनरल साइंस है, तो ये आपके वहां पे भी काम आएंगे. अगर आप डिटेल में हर एक चैप्टर को, चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा सिलेबस का, 50+ टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है. ये सारी चीजें जो है आपको मिल जा रही है प्लस सब्सक्रिप्शन में. अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्लस सब्जेक्ट इसी के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, पीडीएफ और नोट्स मिल जाती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाता है, फेवरेट एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बैच कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पोल, कमेंट, क्विज, और एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. आप वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को रिविजन के लिए, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सब आपको मिल जाता है. और इसी के साथ ही अगर आप देखोगे तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एंड अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाता है. डिफरेंट बैचेस से जो ऑलरेडी चल रही है तो आप इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस देख पाओगे, बहुत सारी अपकमिंग बैचेस भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर पाओगे, और साथ ही साथ आप ये टॉप एडुकेटर्स हैं इनकी बैचेस भी आपको मिलेंगे अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो. इसी के साथ अगर आप देखोगे सब्सक्रिप्शन लेने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आप कैटेगरी सिलेक्ट कीजिएगा, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा. फिर आपको यहाँ पे देख रहे हो प्राइस चार्ट, तो बस ये अभी करंट प्राइस है, तो यहाँ पे रेफरल कोड मांगेगा, बस आपको ये कोड यूज कर देना है. तो इस जगह पे जैसे ही आप ये कोड डालते हो SHIPRA, जैसे ही आप ये कोड डालोगे तो ये प्राइस आप देख रहे हो 10% जो है पूरा लेस हो जा रहा है, तो आपको सीधा सीधा 10% का ऑफ मिल जाता है. ठीक है, चलिए, तो ये आप इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप पोल सेशंस कर सकते हो, आप डाउट क्लियरिंग सेशंस कर सकते हो, वीकली क्विज आप कर पाओगे. यस, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं. इसी के साथ अगर आप देखोगे तो ये क्लास के डिफरेंट टाइमिंग्स है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं वन लाइनर. ठीक है, साइंस का वन लाइनर जो है हम लोग का जो सीरीज चल रहा है. बिल्कुल, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं. तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम आपसे बात करें द नेचुरल मैग्नेट, जो आपका नेचुरल मैग्नेट जो होता है प्राकृतिक चुंबक जिसे बोलते हैं हम, ये जो है ये किससे बना होता है, Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड. ठीक है, फेरस आयरन ऑक्साइड जो है इससे बना होता है. बिल्कुल, Fe2O3 जो है ये आपका जो है बनता है किससे, नेचुरल मैग्नेट जो है ये फेरस ऑक्साइड से बनता है. वो साइज इज नॉट फिक्स, जिसका साइज कोई फिक्स नहीं है, जो नेचुरल मैग्नेट है उसका कोई फिक्स साइज नहीं है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है. ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस, इस पे काम करता है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है. बिल्कुल, माइक्रोफोन का अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो माइक्रोफोन भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, माइक्रोफोन जो होता है ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी पे बेस्ड है. तो कैथोड रेज का जो अगर हम बात करें, एनोड एंड कैथोड आपने पढ़ा होगा, जो कैथोड रेज है ये होती है इनविजिबल, यानी ये अदृश्य होती है किरणें. ठीक है, ये ऐसी आपको दिखाई नहीं देती है, तो कैथोड रेज जो है ये इनविजिबल रेज होते हैं, तो इसको याद रखिएगा. तो हमने नेचुरल मैग्नेट पढ़ा, वो Fe2O3 से बनता है. ट्रांसफॉर्मर का जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है. माइक्रोफोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है. कैथोड रेज जो है वो इनविजिबल रेज है. वेलोसिटी जो है कैथोड रेज की, ये 1/10 टाइम्स होती है. ठीक है, किसकी, लाइट की. तो लाइट के स्पीड से अगर देखा जाए, वेलोसिटी से देखा जाए, तो कैथोड रेज की वेलोसिटी उसका 1/10 होती है. ठीक है, यस, उसकी स्पीड का 1/10 होती है. एयरप्लेन का अगर हम बात करें, ठीक है, हवाई जहाज में अगर फाउंटेन में से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है. मतलब क्या कि एयरप्लेन्स पर अगर आप फाउंटेन पेन का देखो तो इंक बाहर आ जाता है. रीजन क्या है, क्योंकि हाई
जगह पे, हायर प्लेसेस पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। इस वजह से ही, प्रेशर कम होने की वजह से ही तो खाना लेट से पकता है, अगर आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो। यस बिल्कुल, और वही वहां पे प्रेशर कम होने की वजह से जो फाउंटेन पेन वगैरह होती है उसकी इंक बाहर आ जाती है। यस, एक कांस्टेंट मैग्नेट जो होता है वो ऑलवेज क्या, नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल है ना, तो एक कांस्टेंट मैग्नेट जो होता है वो ऑलवेज शोज नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ पोल जो है। यस, वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल जो है आपको दिखाता है। ठीक है, एक बार, ठीक है, यानी कि एक वन बार जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 10 पास्कल। तो वन बार जो है, यानी एक बार जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 10 पास्कल्स के इक्वल होता है। ठीक है, बर्फ के दो टुकड़े टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो घट जाता है। तो जब दो पीस जो है आइस की, अगर आप उसको साथ में रखोगे तो चिपक जाता है। रीजन होता है कि प्रेशर लगाने से जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो आपका वो घट जाता है उसका। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो घट जाता है, इसी वजह से वो जो है चिपक जाता है। जब लाइट जो है ग्लास से एयर में एंटर करता है तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस व्हेन लाइट एंटर्स द ग्लास फ्रॉम द एयर। तो एयर से जब ग्लास में एंटर करता है तो वेवलेंथ डिक्रीज होता है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है ना वहां पे, इसलिए तो वेवलेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने की वजह से तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर जो होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर बात करें या स्कैटरिंग बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, पर्पल का। और व्हाइट लाइट जो है, ये आपको पता है कि व्हाइट लाइट कैसे बनता है, 7 कलर के मिक्सचर से, और इसी व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हो तब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। यस, द वॉल्यूम इक्वल टू द पार्ट इमर्स्ड इन द फोर्स ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लोड ऑफ द फ्लूइड। यानी कि अगर हम बात करें, द वॉल्यूम उपलावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी जगह पे कोई चीज अगर आप डुबा के रखे हो तो उसका जो वेट होता है वो जो रिप्लेस्ड वाटर है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो वो उसका जो भार है वो उतना ही पानी को रिप्लेस करके उसकी जगह लेती है। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है, यानी वैक्यूम में जो होता है किसी का वेट जो होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल। द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, सरफेस टेंशन का अगर हम यूनिट आपसे पूछेंगे तो सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो हो जाता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का अगर यूनिट पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। ठीक है, टेलीस्कोप का यूज किया जाता है दूर की चीजों को देखने के लिए। बिल्कुल, टेलीस्कोप्स आर यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यस, इसको याद रखिएगा। द एंगल बिटवीन द अर्थ जियोग्राफिक एंड मैग्नेटिक एक्सिस, तो पृथ्वी की भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो होता है 18% होता है। ठीक है, बिल्कुल, ये याद रखिएगा, भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो होता है वो कितना होता है, वो 18% होता है। फ्यूज वायर जो होता है, ठीक है, इसका अगर हम बात करें, इसका जो फ्यूज वायर हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक जो होती है वो काफी कम होती है, और प्रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, तो सिग्नल्स को ट्रांसमिट, संकेत भेजने के लिए जो होता है कौन सी तरंग का यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, यस, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज किया जाता है। तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है, यानी कि एयर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। इसलिए ठंड में आप देखोगे तो आपकी आवाज़ें जो होती है बहुत दूर तक नहीं जाती है, क्योंकि वहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है उस टाइम, इसीलिए। ठीक है, और वही गर्मी के टाइम में देखोगे तो आपकी आवाज़ काफी दूर तक चली जाती है। डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो लेस होता है वाटर से। आपने देखा होगा कि अगर बर्फ को आप पानी में डालते हो तो बर्फ जो है वो तैरता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि बर्फ की जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व जो होता है आइस का वो कम होता है। किससे कम होता है, वो पानी से। हमने आपको पहले भी बोला है तैरना या डूबना हमेशा ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये डेंसिटी यानी कि घनत्व की प्रॉपर्टी है। अगर घनत्व कम होगा तो तैरेगा और ज्यादा होगा तो डूब जाएगा बस। ठीक है,
सबसे डेंजरस मेटल का अगर बात करें, मेटल्स का बात करें, तो वो बोला जाता है गोल्ड को। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा नहीं आपसे। तो इट्स रेक्टेंगुलर डिक्रीजेस व्हेन आइस एंड कास्ट आयरन आर हीटेड। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयत घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है आपका, ठीक है, बर्फ और ढलवा जो लोहा होता है, यानी कि कास्ट आयरन जो होता है, उसको हीट करने से उसका जो आयत होता है वो क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घटता है। जैसे जैसे आप सॉलिड चीजों को गर्म करोगे, उसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप सॉलिड को हीट करते हो। ठीक है, डेंसिटी डिक्रीज होता है क्योंकि सॉलिड लिक्विड में चेंज करता है, और लिक्विड को हीट करो तो वो गैस में चेंज होता है, तो हीट करने से डेंसिटी जो होती है वो घटती है। ठीक है, ठीक है, तो वही चीज है, बर्फ एवं ढलवा लोहा को गर्म करने पर उनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो डेंसिटी इंक्रीजेस व्हेन आइस एंड कास्ट आयरन आर हीटेड। तो यहाँ पे देखिए उल्टा बोलता है कि इनको जब हीट करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, बिल्कुल, बर्फ का गुप्त ऊष्मा जो लेटेंट हीट होता है वो 80 kg होता है। तो लेटेंट हीट जो होता है वो आपका होता है 80 kg। ठीक है, कैलोरी, 80 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, बिल्कुल, ध्वनि का प्रसारण ट्रांसमिशन ऑफ साउंड जो है वो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, तभी साउंड वेव्स जो है वो आपकी जो है ट्रांसमिट होती है, यानी प्रसारण होता है। तो मीडियम नहीं होती क्योंकि वैक्यूम में कोई, इसलिए वहां पे आप बोल भी नहीं सकते हो। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देती है। तो अगर हम बात करें रेजोनेंस जो होती है वहां पे नहीं सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है। ठीक है, मून के ऊपर जो है एटमोस्फेयर नहीं होने की वजह से जो है आपको प्रतिध्वनि जो है, रेजोनेंस जो है वो सुनाई नहीं देता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा वर्चुअल होता है ना, इरेक्ट होता है। ये हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था ना, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बिल्कुल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और स्मॉल भी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साइज से स्मॉल भी होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, ये तीनों टाइम याद रखिएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट आते हैं, डिफिकल्टी इन मूविंग ऑन आइस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम बात करें आइस के ऊपर चलना क्यों मुश्किल होता है, आइस के ऊपर चलना इसलिए मुश्किल होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो है ये नहीं होता है, इसी वजह से। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ये नहीं होने की वजह से वहां पे चलना मुश्किल होता है, आइस के ऊपर आप नहीं चल सकते हो। इट टेक्स मोर फोर्स टू रिमूव टू वेट ग्लासेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। दो अगर गीले कांच जो है उनको अलग आप करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो ज्यादा फोर्स लगता है, एक सूखी हुई ग्लासेस को, दो कांच को अलग करोगे तो वो आराम से हो जाते हैं, लेकिन जो गीली कांच होती है, दोनों एक के ऊपर एक रखी है, अगर आप उसको अलग करोगे तो आप देखिएगा फोर्स जो होता है वो ज्यादा लगता है वहां पे। इस रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है इसकी वजह से होता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ऑन हीटिंग द ग्लास रॉड इट एंड्स बिकम राउंड ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे आप कांच का जो छड़ होते हैं उसको गर्म करते हो तो उसका जो एंड्स होता है वो राउंड हो जाता है, क्यों, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, बिल्कुल, सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो राउंड हो जाता है। आकाश में तारे जो दिखते हैं वो आपको किस वजह से दिखते हैं, रिफ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि उसकी जो लाइट है वो मीडियम चेंज कर रही है। यस, मीडियम चेंज करिए, वैक्यूम से जो है आपका एयर मीडियम में आ रही है, तो मीडियम चेंज होने की वजह से जो है, मीडियम चेंज होने की वजह से जो है यहाँ पे आपका जो है, बिल्कुल, तो मीडियम चेंज होने की वजह से जो है आपका रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स जो है वो क्या करते हैं, वो ट्विंकल करते हैं। बिल्कुल, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग जो है, सबसे ज्यादा जो हाई स्कैटरिंग जो होती है वो किसमें होती है, पर्पल, इसलिए आपको आकाश नीला दिखाई देता है ना, तो सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो पर्पल में होती है, पर्पल कलर, विबग्योर आप पढ़े हो ना,
वॉलेट कलर, ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी होती है और सबसे कम इसकी होती है, इसलिए सबसे पहले आपको ये दिखाई देता है और सबसे लास्ट में भी आपको रेड कलर दिखाई देता है आकाश में, है ना, सन सूर्योदय के टाइम में और सूर्यास्त के बाद, ठीक है, बिल्कुल। वायरलेस वेव्स का अगर हम बात करें तो वो किसने डिस्कवर किया था, वायरलेस वेव जो है इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, ठीक है, यस, साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। द कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप जो है उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस, ठीक है, गैलीलियो का जो टेलीस्कोप है उसमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। सोल्डर का बात करें तो वो क्या क्या, वो टिन और लेड का मिक्सचर होता है, टिन और लेड के मिक्सचर को बोला जाता है सोल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक बॉक्स जो होता है, नाम है ब्लैक बॉक्स बट कलर क्या होता है उसका, कलर हमेशा ऑरेंज होता है, ठीक है। लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो आपको पता होगा लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, तो लाइट ईयर का अगर हम बात करें तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, बिल्कुल। फोटो केमिस्ट्री इज कन्वर्ट, फोटो खींचने वाला जो प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है, जो एनर्जी जो है फोटो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं उस पर अगर पड़ती है तो वो किसमें चेंज हो जाती है, वो आपकी केमिकल में, ठीक है, वो आपकी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है, वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में, जैसी लाइट जो है, ठीक है, जो फोटो खींचने वाला जो प्लेट होता है, ठीक है, उस पे अगर आपका लाइट पड़ेगा तो वो लाइट जो होता है वो आपका केमिकल एनर्जी जो है उसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। प्रतिध्वनि जो है सुनाई पड़ने का कारण है ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बार में जो आपको सुनाई देता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से जो रेजोनेंस है वो आपको सुनाई देता है, ठीक है। भारत का प्रथम फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम बात करें तो वो तारापुर, ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है वो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है, बिल्कुल। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हमने आपको पहले भी बताया है ना। सन और स्टार्स में जो एनर्जी होती है उनके पास खुद की एनर्जी होती है, सन भी एक तरह का स्टार है, और यहाँ पे जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सन में आपको पता है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम है ना। द सर्फेस ड्रॉप ड्यू टू नेचर ऑफ नैरोइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉप टू द मिनिमम एरिया, द्रव बूंद का संकुलित संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति का कारण पृष्ठ तनाव है, यानी कि आप देखते होंगे अगर ऊपर से आप पानी की बूंदें अगर गिरा रहे तो वो एकदम छोटी सी बन के एक शेप ले लेती है और फिर गिरती है, तो रीजन उसका क्या होता है, उसका रीजन होता है, याद रखिएगा, सरफेस टेंशन, ठीक है, बिल्कुल, सरफेस टेंशन जो है ये रीजन है, बिल्कुल, मिनिमम एरिया कैरी करने का, वो शेप आने का, जो बूंद जो शेप आप देखते हो ना, ये बूंद की शेप, ये शेप भी जो है ये भी आने का क्या रीजन है, ये भी है आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। द वॉइस जो होती है वुमेन की हायर होती है, पिच जो होती है वुमेन की वॉइस की वो हाई होती है, किसके कंपैरिजन में, मेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, द सोलर सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे वो कहाँ से आता है, तो एनर्जी जो है उनको सोलर सेल, बिल्कुल, ठीक है, यस, सोलर सेल जो होता है उनमें फिट किया जाता है, पैनल्स को फिट किया जाता है और उसी से जो है उनको एनर्जी मिलती है, जो वो इतना राउंड लगा पा रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो कहाँ से उनको एनर्जी मिल रही है, तो वो सोलर सेल है, बिल्कुल। पायरोमीटर्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज की जाती है, हमने आपको इसके बारे में बताया था, पायरोमीटर है ना, तो पायरोमीटर का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है, ये हाई टेम्परेचर्स को मापने के लिए यूज होता है, बिल्कुल। थर्मोस्टेट इन द रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स द सेम टेम्परेचर, तो थर्मोस्टेट जो होता है रेफ्रिजरेटर का, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करता है, सीधा सा बात करें तो, ठीक है। एक सनग्लास में जो पावर होता है, आपको पता है कि धूप के चश्मे में तो कोई पावर ही नहीं होता है, तो धूप के चश्मे में जो पावर होता है जीरो डायोप्टर, तो इसमें याद रखिएगा कि पावर का यूनिट भी पूछ लेगा, तो जीरो डायोप्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा, तो सनग्लास में जो पावर होता है वो आपका होता है जीरो डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं, दूरबीन का आविष्कार, टेलीस्कोप जो है वो किसने था, गैलीलियो, ठीक है, टेलीस्कोप जो है वो किसने ढूंढा था, तो गैलीलियो। तेल की सतह पर फैल जाना, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, तेल जो होता है पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो पानी से क्या होता है, कम होता है, ऑयल का जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है इसी वजह से, ठीक है।
वस्तु की मात्रा बदलने पर, तो ऑयल जो होता है आप देखते हो ना, अगर पानी पे डालो तो फैल जा रहा है, वो फैलने का रीजन जो होता है वो है उसका सरफेस टेंशन। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, डेंसिटी जो होती है चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज से जो है आपको बोलता है डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी अगर क्वांटिटी का बात करें हम, ठीक है, उसको बदलने से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, क्वांटिटी होगी। ठीक है, क्वांटिटी को बदलने से जो है डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप क्वांटिटी को कम करोगे तो उसका मास भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। क्वांटिटी बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट रह जाएगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, पुशिंग वाटर इंटू वाटर वेपर इज फिजिकल चेंज। तो अगर हम बात करें वाटर को वाटर वेपर में चेंज होना, ये फिजिकल चेंज है एक तरह का। ठीक है, यस, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलते हैं, इसका कारण क्या है, लो एयर प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स की, तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इस पे आपकी वन लाइनर की जो है क्वेश्चंस बहुत आराम से बनती है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपके लिए, और ये आपका ऐसे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको अगर आप स्किप करोगे, हमने जितनी भी क्लासेस करवाई है स्पीडी की वन लाइनर, ठीक है, जितनी भी क्लासेस कराई है हर क्लास को आप देखिएगा, वन लाइनर है ये, क्योंकि इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। जब डिटेल एक्सप्लेनेशन आप जो बोल रहे हो वो हम जब डिटेल में चैप्टर्स पढ़ाने लगेंगे, इसको जैसे ही खत्म करते हैं तो हम डिटेल में जो है चैप्टर्स जो है उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सामने एग्जाम्स है, तो ये अभी आपको क्विक रिविजन के लिए तरीका था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइंस पढ़े जो कि 9 एंड 10 का साइंस है आपका, तो वो साइंस तो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तो ये एक तरह से आपको याद दिला रहे हैं हम कि रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, चीजें याद रखिए, ताकि क्या होगा जब हम चैप्टर वाइज पढ़ने जाएंगे तो आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। यस, तो आपको पता चलेगा कि यस यहाँ से क्वेश्चन बना था या यहाँ से क्वेश्चन बना था। ये वन लाइन में पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि जब आप कोई बुक पढ़ोगे, कोई चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्वेश्चन आता कहाँ से है। इसके लिए हम आपको ये वन लाइनर वाला काम जो है पहले करवा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारा पॉइंट्स जो है, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बताई है, वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये यस, और यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट्स, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन चलता है, मॉर्निंग से इवनिंग तक में क्लासेस चलती हैं, तो बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हो, आप इस कोड को यूज कर सकते हो, और इस कोड को यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो बिल्कुल इस कोड को आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यस, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं यस नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।